हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, सिंध कांस्टेबल पुलिस से रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। ये सीरीज हमें ब्रेक करना पड़ी, कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ी थी, क्योंकि कुछ मौजूदा पेपर्स कंडक्ट हुए थे जिन्हें डिस्कस करना आपके साथ ज़रूरी था। आज हम इस सीरीज को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इस सीरीज को छोड़ा था। ये सीरीज सिंध कांस्टेबल पुलिस की सीरीज 20 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह इन 20 पार्ट्स को हम कंटिन्यूसली कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यकीनन पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 301, इससे पहले के 300 क्वेश्चंस सबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम मुकम्मल सीरीज सिंध कांस्टेबल पुलिस की मौजूद है। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सो फार प्रोमुलगेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में अब तक कितने आइन नाफिजुल अमल हो चुके हैं, कितने आइन को अभी तक पाकिस्तान में नाफिज किया गया है? पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 2021 तक 3 आइन इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिनमें पहला आइन 1956 में नाफिज किया गया, दूसरा आइन 1962 में नाफिज किया गया और तीसरा आइन 1973 में नाफिज किया गया। क्वेश्चन नंबर 302, व्हेन डिड कायदे आजम प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात कब पेश किए? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 31 मार्च 1929 को 14 नुकात पेश किए। थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के हकूक पर डाका डाला गया था। नेहरू रिपोर्ट के जवाब के तौर पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 31 मार्च 1929 को 14 नुकात पेश किए। क्वेश्चन नंबर 303, हु वाज गिवन द प्रेसिडेंशियल स्पीच इन 1930 एट अलाहाबाद? 1930 में अलाहाबाद के मुकाम पर सदारती खिताब किसने किया? 1930 में अलाहाबाद इंडिया के मुकाम पर सदारती स्पीच सदारती खिताब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सालाना इजलास था जो कि 29 दिसंबर 1930 को अलाहाबाद इंडिया के मुकाम पर हुआ। इस जलसे में, इस एनुअल सेशन में इलामा मोहम्मद इकबाल ने सदारती खिताब किया। क्वेश्चन नंबर 304, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही अल्फाज आपने चूज करना है और खाली जगह में इस्तेमाल करना है। आई डैश बिजी इन राइटिंग लेटर, खाली जगह में एम आएगा, आई एम बिजी इन राइटिंग लेटर्स, मैं खत लिखने में मसरूफ। क्वेश्चन नंबर 305, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही अल्फाज आपने चूज करना है और खाली जगह में लिखना है। खाली जगह में रन्स आएगा, कॉकरोच रन्स आफ्टर द मिलीपीड। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी इसी तरीका से डिटेल के साथ करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 306, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। सही आंसर का जवाब का इंतखाब करें। ही हैज डैश हिज वर्क, खाली जगह में डन आएगा, ही हैज डन हिज वर्क, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज के साथ वर्ब की फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसने अपना काम सर अंजाम दिया। क्वेश्चन नंबर 307, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही अल्फाज आपने लफज चूज करना है। हिज स्पीच वॉज चीयर्ड डैश एवरीवन, हिज स्पीच वॉज चीयर्ड बाई एवरीवन, उसकी तकरीर से सब खुश हुए, उसकी तकरीर को सब ने इंजॉय किया। खाली जगह में बाय आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 308, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। खाली जगह में आपने सूटेबल वर्ड यूज करना है। अर्थ डैश ओनली वन मून, अर्थ हैज ओनली वन मून, खाली जगह में हैज आएगा, जमीन में सिर्फ एक चांद है। क्वेश्चन नंबर 309, चूज द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। एक लफ्ज दिया गया है स्टूडेंट, स्टूडेंट की जमा पूछी गई है, स्टूडेंट की जमा स्टूडेंट्स होता है, ऑप्शन सी STUDENTS। क्वेश्चन नंबर 310, सवाल नंबर 310, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर हु यूज्ड वर्ड नेशन फॉर मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। वो कौन से मुसलमान लीडर हैं जिन्होंने सबसे पहले बरसगीर के मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए नेशन कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया। सर सैयद अहमद खान ने अपने खिताब में फरमाया कि बरसगीर पाको हिंद में दो कौमें आबाद हैं जिनमें हिंदू और मुसलमान शामिल हैं और दोनों की तर्ज जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। क्वेश्चन नंबर 311, द अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन आर कॉल्ड। जेर जमीन आबपाशी का निजाम क्या कहलाता है? जेर जमीन आबपाशी का निजाम कारेज सिस्टम कहलाता है। ये कारेज सिस्टम इस वक्त भी बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 312, व्हाट इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है, पंजाब के कैपिटल का नाम लाहौर है, सिंध के कैपिटल का नाम कराची है, केपीके के कैपिटल का नाम पेशावर है और बलूचिस्तान के कैपिटल का नाम क्वेटा है। क्वेश्चन नंबर 313, हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर हर साल हर चार साल के बाद आता है। लीप ईयर में फरवरी 28 की बजाय 29 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 314, पिक वन ऑड आउट, पिक ऑड वन आउट, ये चार ऑप्शन है, इनमें से जो चीज एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीन ऑप्शन से डिफरेंट है उसे आपने चूज करना है। पहला है अटलांटिक, अटलांटिक एक समंदर का नाम है, ओशन का नाम है, एशिया बर्याजम का नाम है, यूरोप भी बर्याजम का नाम है और ऑस्ट्रेलिया भी बर्याजम का नाम है। इस तरह इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अटलांटिक जो है ये ऑड वन आउट है क्योंकि ये समंदर का नाम है और बाकी तीनों जो है वो बर्याजम है। क्वेश्चन नंबर 315, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में चाइना वाकया है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है ये बहुत से पेपर्स में पूछी गई है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाउंड्री लाइन की लंबाई 592 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 316, बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में है। इस एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था लेकिन 2008 में इस एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलकर बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 317, मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। स्पेन ये एक मुल्क है जो बर आजम यूरोप में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 318, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच रेंज। सियाचिन ग्लेशियर को कराकरम में वाकया है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई तकरीबन 76 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 319, मोहम्मद कासिम नानोथवी रिमेन्ड द हेड ऑफ द दारुल उलूम। मोहम्मद कासिम नानोथवी दारुल उलूम देवबंद के सरबरा 1897 तक रहे। मदरसा दारुल उलूम देवबंद इंडिया की बुनियाद भी मोहम्मद कासिम ननौतवी ने रखी थी। ये 1897 तक अपने वफात तक दारुल उलूम देवबंद के सरबरा रहे। क्वेश्चन नंबर 320, अल बैरूनी द फेमस हिस्टोरियन केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी।
अलबेरूनी इंडिया में 11वीं सदी में आए। अलबेरूनी का पूरा नाम अबू रिहान अलबेरूनी था। ये एक ईरानियन स्कॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 3-1, व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत कितना था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा थे। इनका सर्विंग टेन्योर इनकी खिलाफत का दौरानिया 634 से 644 तक था। इनका खिलाफत का दौरानिया बाकी तीनों खुलफा राशिदीन से ज़्यादा था। ये 10 साल तक तकरीबन खलीफा वक़्त रहे। क्वेश्चन नंबर 3-2, गोल्डन क्रिसेंट इज द नेम गिवन टू। गोल्डन क्रिसेंट का लफज, गोल्डन क्रिसेंट का नाम ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दिया गया है। वीवर्स, गोल्डन क्रिसेंट ये सुनने में लफज बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन ये किस वजह से ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दिया गया ये नोट कर लें। क्योंकि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हीरोइन की स्मगलिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए अमेरिका ने, यूके ने इन तीनों ममालिक को गोल्डन क्रिसेंट का नाम दिया गया। गोल्डन क्रिसेंट वो एरिया है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का, वो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हीरोइन की पैदावार होती है, हीरोइन को काश्त किया जाता है और यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसे सप्लाई किया जाता है। इन वजूहात की बिना पर ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गोल्डन क्रिसेंट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3-3, सिलेक्ट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। लफज है हॉर्स, हॉर्स का मतलब है घोड़ा, इसकी जमा होगी इंग्लिश में हॉर्सेज, घोड़े। क्वेश्चन नंबर 3-4, लफज है, वर्ड है हमारे पास पीपल, पीपल का मतलब है लोग, इसकी जमा भी पीपल होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3-5, वर्ड है हमारे पास लीफ, लीफ का मतलब है पत्ता, पत्ते की जमा होगी पत्तों या पत्ते, लीव्स, LEAVES, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में सिंध कांस्टेबल पुलिस के पार्ट 14 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।